स्टेशन पिंडारी, ये मुंगेरी रोड में पड़ता है और हम लोग बस अभी उसलापुर ओवरब्रिज पहुंचने वाले हैं। इसको पार करेंगे यहाँ से, बिलासपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है कानन पिंडारी, एक जू है जिसमें बहुत सारा जानवर का आपको बहुत सारे इस प्रकार के जानवर मिल जाएंगे देखने के लिए, पक्षी मिल जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे तो आगे आपको वीडियो दिखाएंगे हम लोग। हाँ, ये हम लोग उसलापुर ओवरब्रिज पार कर रहे हैं और ओवरब्रिज उसलापुर पार करने के बाद आगे कानन पिंडारी आएगा आपका। ये कॉटेज टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए, घर भी है, मेन घर है ये। देख सकते हैं आप, देखिए कोकाटिल नाम है, ऐसा दिखता है ये, अंदर है सब। बजरीगर ऐसा पक्षी, पीला तोता। स्नेक पार्क है ये, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सांप देखने को मिलेंगे। ये देखिए भारतीय नाग लिखा हुआ है और ये देखिए ऊपर सांप है, दिख रहा है ये भारतीय नाग गहुआ पुकारता है। ये देखिए भारतीय नाग, ये देखिए आप सांप साइड में गहुआ, गहुआ भारतीय नाग। ये देखिए सांप दिख रहा है उसके ऊपर, ये देखिए धामन इसमें आपको दिखेगा वो साइड में एकदम। ये देखिए सामान्य कामन करें, ये देखिए छोटा चीज़ है, ये देखिए अजगर, यहाँ पे है अजगर और ये अजगर पूरा आपको हिराज। ये देखिए साइड में हिराज, ये सांप है, ये उसका फोटो देखिए, ये धामन है, ये देखिए पूरा सब तैयार है भागने के लिए। ये आप देख सकते हैं चौसिंघा नाम लिखा है, ये बैठा है देखिए, ये बैठा किसी का बच्चा रहा, ये देखिए चौसंघिया। चला आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फटाफट निकालिए। ये देखिए आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टार्क पक्षी, ये बहुत ही सुंदर दिखता है और पानी के लिए ज़बरदस्त व्यवस्था है इनके लिए यहाँ पे। ये रोजी पेलिकन बैठे हैं, देख लीजिए इन लोग का नाम है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10-10 किलो, 10-10 किलो सुपर का है, रोजी पेलिकन का फोटो लगा हुआ। तेंदुआ ये दिख रहा है, दिखा ये देखिए तेंदुआ, पोल के पास देख, ये देखिए तेंदुआ, ये देखिए बाघ का लिखा है, इसमें बाघ हम लोग अभी नजर नहीं आ रहा है, कहीं हो सकता है नजर आएगा तो आपको दिखाएं। आते हैं, ये बाघ यहाँ पे लेटा हुआ है इस साइड में, नहीं आएगा, आ गया है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको हल्का हल्का, लेटा हुआ है बब्बर शेर अपनी जगह पे, ये देखिए यहाँ से दिखेगा आपको, ये देखिए बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा है, वाइट टाइगर है, इधर घूम के आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, बैठा कहाँ है भैया, दिख रहा है आपको बैठा, देखिए बाहर एक अंदर, ये देखिए इससे जो शेर है सफेद शेर ये टहल रहा है, देखिए घड़ियाल है, आराम कर रहे हैं पानी के बाहर इन लोग, ये देखिए घड़ियाल, देखिए दरियाई घोड़ा है ये, दो ठो है यहाँ पे आराम कर रहे हैं इन लोग, एक एक बोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, भैंसा है, चलना चलना तो कहाँ हुए, देखिए इस टाइप के बने हुए हैं यहाँ पे। ये हम शुतुरमुर्ग देखने जा रहे हैं अभी, आपको दिखाएंगे पास चल के कैसा दिखता है। ये देखिए आप इसको शुतुरमुर्ग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ये शुतुरमुर्ग है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का है, ये देखिए दो दो शुतुरमुर्ग आपको दिख रहे हैं इसमें, वीडियो जो बना रहा शूट कर रहा हूँ, शुतुरमुर्ग है। चल रहे हैं हम लोग, जाते जा रहे हैं, ये मुँह खड़े हैं इन लोग, नहीं छोटा छोटा रहता है इसलिए मूसा खेण बोलते हैं, वो छोटा छोटा है। यहाँ पे बैठे हैं इन लोग सब जन, आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये पूरा वारा सिंघा है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए बैठे हैं सब जन, ज़्यादा है भी दिखा था है, ये अलग अलग कलर के छोटे बच्चे बड़े सब हैं इसमें, और इसका कलर अलग है, मतलब मेल फीमेल को दर्शाता है ये नीलगाय। यहाँ पे मणिपुरी मृग इसका लिखा हुआ है नाम, और बहुत संख्या में है मौजूद यहाँ पे, देखिए आराम कर रहे हैं इन लोग, और एकदम हिरण जैसे दिखते हैं इन लोग भी है यहाँ पे, और ये सांभर का अंदर में सांभर है मौजूद, ये लोग नीलगाय की तरह ही दिखते हैं यहाँ पे। ये हिरण है, बहुत दूर है इसलिए थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आएगा, लेकिन आपको दिख जाएगा हिरण है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं आराम कर रहे हैं। ये देखिए कोटरी है, छोटा छोटा बहुत सारा, नहीं पूरा दिख रहा है आपको, लाइन से बैठे हुए हिरण सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हिरण है एक प्रजाति जो बैठे हुए सब है,
दिख रहा है आपको सफ़ेद गिद्ध। गाइस कैसे हैं आप सब, मैं आरिफ अहमद अपने चैनल बबलू टूर ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा और अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये कानन पिंडारी जू घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और संडे को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।